दिल्ली में शीत सत्र चल रहा है। इसी शीत सत्र में सदन में सांसद निलंबन मामले का विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने देश उपर राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर निषेध किया। इस मिमिक्री को लेकर अब गली से दिल्ली तक की राजनीति गर्मा गई है। उपराष्ट्रपति के अपमान पर बुधवार को दिल्ली में भाजपा सांसदों की ओर से सदन में चुप रहकर निषेध किया गया, मगर उपराष्ट्रपति के मध्यस्थता से सदन की कार्रवाई शुरू की गई। अब ये निषेध सदन के बाहर भी किया जा रहा है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से नागपुर शहर में शहर कार्यालय के सामने विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस समय भाजपा के जिला अध्यक्ष सुधाकर कोहड़े उपस्थित थे। कोहड़े ने मांग की है कि ऐसे सांसदों पर कार्रवाई करना चाहिए। आज भारतीय लोकशाही अवहेलना करना वाईट प्रसंग आम्ही एकत्रित आलोय। जगातली सर्वश्रेष्ठ लोकशाहीची राज्य घटनेने दिलेलं उपराष्ट्रपती पद म्हणजे आमच्या सर्व 140 कोटी जनतेसाठी गर्वाचं अभिमानाचं पद आहे। त्यांची अशा प्रकारे मिमिक्री करणं, अवहेलना करणं म्हणजे जगात भारताच्या 140 कोटी जनतेची अवहेलना करणं आहे। आणि हे करणारे कोण आहे तर काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते राहुल गांधी, तृणमूल काँग्रेसचे नेते खासदार। मला वाटते यांची मानसिकता बिघडलेली आहे, विकृत मानसिकतेचे हे धनी आहे। यांच्यावर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेचा अपमान केला म्हणून एकतर्फी गुन्हा दाखल करावा अशा प्रकारची मागणी मी या निमित्ताने करतो आहे। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।